एंशिएंट टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है, मैं इब्राहिम आपके साथ। दोस्तों, आज शहर है बेंगलुरु विधानसभा के पास जो अंबेडकर स्टैचू है, वहां पर आज दलित सेना की टीम ने जो है प्रोटेस्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोटेस्ट इसलिए है कि जिस तरह से 26 जनवरी के दिन रायचूर के जज मल्लिकार्जुन गौड़ा ने जिस तरह से गुस्ताखी की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में, मल्लिकार्जुन गौड़ा ने कहा था कि अंबेडकर की फ़ोटो हटाओगे उसी वक्त मैं जो है झंडे को लहराऊंगा। तो इस बात को जो है दलित अंबेडकर के चाहने वालों को बहुत तरह से झटका लगा है, उनको बहुत बुरी तरह से इस बात का इफेक्ट हुआ है। तो इसीलिए आज दलित सेना के बहुत से लोगों ने जो है प्रोटेस्ट किया है, और ये प्रोटेस्ट सिर्फ बैंगलोर के कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ पर बैंगलोर, चिंतामणि, कोलार और बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो है लोग आए हुए हैं। और ये अब यहाँ से जाकर जो है गवर्नर को एक मेमोरेंडम देंगे कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मल्लिकार्जुन गौड़ा को अपने सीट से हटा दिया जाए। वो जो जज बनकर बैठे हैं वो उस लायक नहीं है, जो एक बाबा साहेब अंबेडकर को रेस्पेक्ट नहीं कर सकता, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाया है तो वो इंसान किसी को जो है रेस्पेक्ट नहीं दे सकता, किसी को नहीं पहचान सकता। ಸರ್, ಈಗ ರಾಯಚೂರಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಗವರ್ನರ್ವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಹತ್ರ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಸ್ಲೋಗನ್ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿದ್ಕರ್ ಅವರು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದಿಗಳು ಮನುವಾದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಿನ ಏನದು ಜಡ್ಜ್ ಅಂತಾರೆ, ಒಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ, ಆ ಒಬ್ಬ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಗೌಡ ಅವನಿಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆತನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸರಿ, ನಾವು ಈ ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೊನ್ನೆ ಗವರ್ನರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಗೌಡ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಖಾಂತರ
ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನ ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕಂತಕಂತ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೇಳಿದೀವಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ್ಯಂತ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ಯಂತ ದಲಿತ ಸೇನೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರನ್ನ ಅವಮಾನ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಜೈ ಭೀಮ್ ಜೀ ಬತಾಯಿ जी हम सभी लोग जानते हैं बहुत ही दर्दनाक और दुखनाक वाकया हुआ है 26 जनवरी को वी ऑल इंडियंस वेरी प्राउडली सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे 26 जनवरी को जब हमारा नेशनल फ्लैग हॉइस्ट किया जाता है कोई एक आला दर्जे के ऑफिसर को बुलाकर फ्लैग को चढ़ाते हैं इज्जत अफजाई करते हैं इसी तरह रायचूर में एक डिस्ट्रिक्ट जज को बुलाकर प्रोग्राम करवाने का प्लान था जिसका नाम मल्लिकार्जुन गौड़ा है लेकिन शर्म आती है ये बोलते हुए कि जज होने के बावजूद अगर जज बनना है कॉन्स्टिट्यूशन के बिना वो एक जुडिशियरी की सीढ़ी तक चढ़ नहीं सकता वैसा शख्सियत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की शान में गुस्ताखी करता है वो कहता है कि जब तक इनकी फ़ोटो को नहीं हटाते मैं झंडा नहीं चढ़ाता मैं उस जज को ये बोलना चाहता हूँ कि तू जज बनने के लायक ही नहीं है फौरन इस्तीफ़ा दे इससे पहले कि हम लोग ज़बरदस्ती करके तुझे तेरे काम से लात मारकर भगाएं फौरन पब्लिक प्लेटफॉर्म में आ तुझसे जो बहुत बड़ी गलती हुई है उस गलती की माफ़ी मांग उन सभी चाहने वालों से माफ़ी मांग जिनको तूने दुख दिया है आज हमारे दलित सेना के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट साहब के मौजूदगी में यूथ जनरल सेक्रेटरी साहब के मौजूदगी में और बहुत सारे दलित सेना के जिम्मेदारान के मौजूदगी में सभी लोगों ने एक साथ जो एसओपी का प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हुए गवर्नर साहब को पर्सनली मिलकर मेमोरेंडम देने का परमिशन लिया था लेकिन पता नहीं क्यों गवर्नर साहब से हमारी मुलाकात नहीं हुई लेकिन हम लोगों ने टपाल सेक्शन में हमारा मेमोरेंडम दिया है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उस जज के ऊपर सीरियस एक्शन लिया जाएगा और ये वार्निंग देते हैं हम लोग अगर आप लोग इस जज के खिलाफ एक्शन नहीं लेते तो हमें रोड पर उतर कर उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे दलित सेना के जो पूरे जो लीडर्स हैं कर्नाटका स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के और असेंबली के पूरे लीडर्स की मौजूदगी में आज हमें यहाँ गवर्नर साहब के पास आपको एक मेमोरेंडम पेश करने वाले थे तो गवर्नर साहब आज नहीं मिले तो उनको हमें मेमोरेंडम उनके ऑफिस में पेश कर को ही ये क्या वास्ते बोलेगे तो तुम्हें सब जने भी जानती जो 26 जनवरी रिपब्लिक डे हमने देश की आज़ादी मिली है कर को वो दिन है हमारा वो दिन क्या करें जो रायचूर के जो जज हैं मल्लिकार्जुन गौड़ा बाबा साहब अम्बेडकर की फ़ोटो उठा को उनकी बेइज्जती कर को ही ये बेइज्जती हमें इसे संभालने नहीं होता और भी बहुत सारे बर्दाश्तगी कर ला करी हमें बर्दाश्त करने नहीं होता बोलकर हमारे दलित सेना की टीम पूरे मिल को हमें आज मेमोरेंडम दे को ही इसके ऊपर जो मल्लिकार्जुन गौड़ा जो जज हैं उनको सस्पेंड नहीं करे उनको ड्यूटी से नहीं निकाले तो आने वाले दिनों में दलित सेना के जो टीम के मेम्बर रंधे हर गली गली में हर मोहल्ले में हर स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में नेशनल लेवल में हमें प्रोटेस्ट कर को उनको हमें सस्पेंड कराए तक हमें नहीं छोड़ते कर को हमारा एक ये वादा है। ತಾವೆಲ್ಲರೂ